विधायक व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एनवीसी प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना सरकार डबल बेडरूम के मामले में लोगों को धोखा दे रही है। हैदराबाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एनवीसीसी प्रभाकर ने भाग लिया। एनवीसीसी प्रभाकर ने कहा कि डबल बेडरूम अलॉटमेंट ड्रामा कुछ दिनों तक चलेगा। उन्होंने शिकायत की है कि राज्य में कहीं भी आवेदन आवंटित नहीं किए जाने के कारण वास्तविक गरीब लोगों को आवास नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उन गरीबों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही है जिनके पास घर नहीं है। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश में अवैध तरीके से हो रहे आवास आवंटन की शिकायत कलेक्टर से करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पात्र गरीबों तक आवंटन शीघ्र नहीं पहुंचा तो इसे राज्यपाल के पास ले जाया जाएगा। तेलंगाना राज्य के उत्पाद शुल्क मंत्री श्रीनिवास गौड़ श्रीलंका के दौरे पर है। इसी के तहत श्रीलंका के नागरिक उड्डयन मंत्री निर्मल सिरिपिला डी सिल्वा ने कोलंबो में शिष्टाचार मुलाकात की। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने सीएम केसीआर नागार्जुन सागर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित बुद्धवनम, तेलंगाना राज्य में मंदिर पर्यटन, बौद्ध केंद्रों के विकास और बौद्ध धर्म के पूर्व गौरव के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना राज्य में भी बौद्ध केंद्रों से दक्षिण एशिया के पर्यटकों की सुविधा के लिए श्रीलंका से हैदराबाद के लिए दैनिक उड़ानें चलाने को कहा। उन्होंने कहा कि अपनी उड़ानें प्रतिदिन चलाने से तेलंगाना में कई बौद्ध पर्यटकों को आकर्षित करने और तेलंगाना और श्रीलंका के बीच संबंधों का बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सीएम केसीआर के निर्देशानुसार तेलंगाना राज्य में मंदिर पर्यटन का काफ़ी विकास हुआ है। टीपीसीसी के उपाध्यक्ष चामला किरण कुमार रेड्डी ने केसीआर सरकार पर इंदिरम्मा डिग्री वाले लाभार्थियों को डबल बेडरूम घर न देकर अन्याय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा कि बीआरएस नेता तक्कल पहाड़ गांव में कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान इंदिरम्मा के नाम पर दिए गए मकानों के भूखंड पर बने मकानों को क्यों बेच रहे हैं। उन्होंने इस बात पर रोष जताया कि लाखों रुपए देने वाले गरीबों को आवास आवंटित कर पात्र लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चामला किरण कुमार रेड्डी ने मांग की कि सरकार तुरंत जवाब दे और लाभार्थियों को डबल बेडरूम घर दे। अगर इस मुद्दे को तुरंत हल नहीं किया गया तो वे एमआरओ कार्यालय का घेराव करेंगे। चामला किरण कुमार ने एसआई को चेतावनी दी है कि वे आंदोलन को गलत तरीके से पेश कर लाभुकों पर केस दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जीबिशन सोसाइटी ने सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का चुनाव कर लिया है। हाल ही में वार्षिक आम बैठक में सोसाइटी के सदस्यों ने वर्ष 2023 से 24 के लिए नई कार्यकारिणी समिति का चुनाव किया। सरकार में यह एक आदर्श बनता जा रहा है कि कैबिनेट मंत्रियों में से एक ही सोसाइटी का अध्यक्ष बना रहता। इसके तहत वनम सत्येंद्र को सर्वसम्मति के उपाध्यक्ष, बी हनुमंतराव को सचिव, चंद्रजीत सिंह को संयुक्त सचिव और एनगुला राजेंद्र को कोषाध्यक्ष चुना गया। प्रबंध समिति में अमरजीत रेड्डी, आनंद कुमार, अशोक हैदर, जी आर अशोक, फहीमुद्दीन पी शामिल है। श्रीनिवास एन विनय कुमार निर्वाचित हुए। आर्थिक समिति से उमा रानी, प्रभाकर एवं राजेश्वर को नियुक्त किया गया। यह समिति आगामी प्रदर्शन के प्रबंधन की जिम्मेदारी उठाएगी। तेलंगाना स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि टीडीपी नेता और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक दल का कृत्य है। उन्होंने कामारेड्डी जिले के बिरकुर मंडल के संभापुर और भैरपुर गांवों का दौरा किया। नवनिर्मित डबल बेडरूम मकानों का प्रमोशन शुरू हो गया है। इसी मौके पर उन्होंने ये टिप्पणी की। संभापुर गांव के लोगों ने आगामी चुनाव में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हुए एक सर्वमत प्रस्ताव पारित किया। मंत्री तरसानी श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद 1,95,000 नौकरियां भरी गई है। मंत्री ने हैदराबाद के रंगकोटी में गद्दाम गंगाधर ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित मेगा जॉब मेले में भाग लिया। उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार मेलों का लाभ उठाने की सलाह देते हुए कहा कि वे तभी खुश होंगे जब उन्हें पढ़ाई के लायक नौकरी मिलेगी। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। मंत्री पटना महेंद्र रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर पूरे देश में जितना विकास कल्याण योजनाएं और कार्यक्रम तेलंगाना राज्य में कर रहे हैं उतना कहीं नहीं। मंत्री डॉक्टर पटना महेंद्र रेड्डी ने सचिवालय में सूचना एवं नागरिक संबंध विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की।
मंत्री ने कहा कि विकास का लाभ गरीबों तक जिम्मेदारी से बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य हर क्षेत्र में प्रगति करेगा, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को कुशलतापूर्वक जनता तक पहुंचाया जाए। सूचना विभाग के अधिकारियों ने कड़ी मेहनत करने और विभाग का नाम रोशन करने की कामना की। इस समीक्षा में राज्य सूचना आयुक्त अशोक रेड्डी, निदेशक राजा मौली और सभी जिला अधिकारियों ने भाग लिया, विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया। अधिकारियों ने कहा कि सफलता की कहानियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने सूचना विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने का वादा किया। खुलासा हुआ है कि सीएम केसीआर तेलंगाना राज्य में पत्रकारों के कल्याण को महत्व दे रहे हैं। विधायक कौशल मोहिद्दीन ने कारवान विधानसभा क्षेत्र के नदीम कॉलोनी का दौरा किया, उनके साथ कई नेता और अधिकारी भी शामिल हुए। विधायक कौशल मोहिद्दीन ने उमर समारोह हॉल के आसपास बॉक्स टाइप ड्रेन कार्य NP2 पाइपलाइन का निरीक्षण किया। अधिकारियों को यह काम जल्द से जल्द करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में विधायक के साथ AIMIM पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ता शामिल हुए। तेलंगाना कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक समाप्त हो गई है। करीब 5 घंटे तक चली बैठक शुक्रवार शाम दिल्ली में हुई। ऐसा लग रहा है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची लगभग फाइनल हो चुकी है। इस बीच स्क्रीनिंग कमेटी ने उम्मीदवारों के चयन पर विस्तार से चर्चा की। हालांकि उम्मीदवारों की सूची को 60% से अधिक आम सहमति के साथ अंतिम रूप दे दिया गया है। ऐसा लगता है कि 40% उम्मीदवारों की सूची पर फिर से चर्चा की जरूरत है। इसके अलावा टिकट आवंटन को लेकर वॉर रूम में TPCC प्रमुख रेवंत रेड्डी और पूर्व PCC प्रमुख उत्तम कुमार रेड्डी के बीच तीखी बहस हुई। इन उम्मीदवारों का चयन सर्वेक्षणों, सामाजिक और स्थानीय राजनैतिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में अध्यक्ष मुरलीधरन, TPCC प्रमुख रेवंत रेड्डी, सांसद कोमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, CLP नेता भट्टी विक्रमार्क सहित सभी प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गंता सुधीर ने मांग की कि सनत नगर निर्वाचन क्षेत्र का कांग्रेस पार्टी विधानसभा टिकट स्थानीय लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए। घंटा सुधीर ने मधु याशकी गौड़ को बधाई दी। मधु याशकी जो BC के नेता है, ऐसी कई और जिम्मेदारियां लेना और उच्च स्तर तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने स्थानीय BC को नजरअंदाज न करने को कहा, जो पिछले कुछ वर्षों से पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं और पार्टी के विकास में योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को अपनी उम्मीदवारी सौंपी और उनसे पार्टी को दी गई उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए टिकट आवंटित करने का अनुरोध किया। डाक विभाग में क्षेत्रीय स्तरीय उत्कृष्ट पुरस्कार 2022-2023 कार्यक्रम का भव्य आयोजन उस्मानिया विश्वविद्यालय के डाकघर परिसर में किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के प्रतिभा दिखाने वालों को पुरस्कार प्रदान किए गए। उस्मानिया विश्वविद्यालय के VC प्रोफेसर दंडे बोईना रविंद्र यादव मुख्य अतिथि थे और तेलंगाना सर्कल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल विशेष अतिथि थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य में एक डाकघर से लगभग 2060 डाकघरों की सेवाएं जनता को प्रदान की जा रही हैं। लोगों को सभी सेवाओं के लिए डाकघर आने की जरूरत नहीं है। पोस्टमैन या GDS के माध्यम से लगभग 160 सेवाएं घर बैठे उपलब्ध है। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों ने स्वैच्छिक बंद की घोषणा की है। गांव के युवाओं ने स्थानीय लोगों को डबल बेडरूम देने के लिए पार्टियों में बंद का आह्वान किया। आरोप लगाया कि सिर्फ वोट बैंक के लिए मजलिस को डबल बेडरूम दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर स्थानीय लोगों को डबल बेडरूम नहीं दिया गया तो शांति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हर गरीब को डबल बेडरूम घर नहीं मिल जाता। इस कार्यक्रम में नेता पपाया गौड़, सुदर्शन यादीश, एल कुमार, दुसाकांती रविंद्र, श्रवण देवेंद्र और अन्य ने भाग लिया। TDP प्रमुख चंद्रबाबू की न्यायिक रिमांड ACB कोर्ट ने बढ़ा दी है। कोर्ट ने इसे इस महीने की 24 तारीख को बढ़ाने की घोषणा की है। स्किल डेवलपमेंट मामले में गिरफ्तार होकर वह राजमंड्री जेल में है और पुलिस ने उन्हें वर्चुअली ACB कोर्ट में पेश किया। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इस मौके पर जज ने चंद्रबाबू की राय मांगी। चंद्रबाबू ने जज से कहा कि उन्हें जेल में रखकर मानसिक तनाव दिया जा रहा है। उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा करने, न्याय की रक्षा करने को कहा। स्टेशन घनपुर विधायक राजैया ने घोषणा की है कि वह स्टेशन घनपुर में पार्टी के टिकट की घोषणा करने वाले
कड़ियम श्रीहरि की उम्मीदवार का पूरा समर्थन करेंगे और पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। आज राजैया और कड़ियम ने भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर एमएलसी से मुलाकात की। प्रगति भवन में पल्ला राजेश्वर रेड्डी और पार्टी के वरिष्ठ नेता कड़ियम ने भेंट की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वह राजैया पार्टी के उम्मीदवार की जीत का पूरा समर्थन करते हैं और उनकी जीत के लिए उनका समर्थन करेंगे। मंत्री केटीआर ने बैठकों में आश्वासन दिया कि पार्टी राजैया के भविष्य के लिए खड़ी रहेगी और उन्हें उचित पद प्रदान करेगी। पार्टी के विधायक उम्मीदवार कड़ियम श्रीहरि ने पार्टी के निर्णय के अनुसार पूर्ण समर्थन के लिए राजैया को धन्यवाद दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्टेशन घनपुर विधानसभा क्षेत्र में गुलाबी झंडा फहराया जाएगा। पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में आरोपी वाईएस भास्कर रेड्डी को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने भास्कर को जमानत दे दी है। 12 दिन के लिए जमानत जारी की गई। भास्कर रेड्डी ने खराब स्वास्थ्य के चलते 15 दिन की जमानत की अपील की थी। मामले की जांच करने वाली सीबीआई अदालत ने भास्कर रेड्डी को इस तारीख से 3 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने एस्कार्ट को चंचलगुड़ा जेल से जमानत दे दी और भास्कर रेड्डी को एस्कार्ट का खर्च वहन करने का निर्देश दिया। मंगलवार को पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ताजा फैसला सामने आया है। इसके साथ ही वाईएस भास्कर रेड्डी को एस्कार्ट जमानत पर चंचलगुड़ा जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जमानत खत्म होने के बाद वह दोबारा कोर्ट में सरेंडर करेंगे। ज्ञात हो कि वह वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में रिमांड कैदी के रूप में चंचलगुड़ा जेल में है। एमएलसी जीवन रेड्डी ने जगतियाल में सरकार से सवाल किया कि भारत का संविधान है या बीआरएस का संविधान है। आरोप लगाया कि बिना आवेदन प्राप्त किए दलित रिश्तेदारों को लाभार्थी के रूप में चयनित किया जा रहा है। उन्होंने शिकायत की कि दलित बंधु जाति विधायकों की बंधु बन गई है। उन्होंने कहा कि 4.5 साल से बीआरएस के नेता कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं कि चुनाव आ रहा है तो कुछ कर रहे हैं, इसलिए वे बीसी बंधु, अल्पसंख्यक बंधु और दलित बंधु चिल्ला रहे हैं। हैदराबाद अमरपेट ने बीजेपी में हलचल शुरू कर दी है। पूर्व ग्रेटर अध्यक्ष वेंकट रेड्डी ने घोषणा की कि वह भाजपा पार्टी में अपमान सहन नहीं कर सकते और पार्टी छोड़ रहे हैं। वेंकट रेड्डी अंबरपेट में रोते हुए घोषणा की कि वह पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि पिछले 43 वर्षों से काम करने के बाद उन्हें उचित मान्यता नहीं मिल रही है। वरिष्ठ भाजपा नेताओं, पूर्व ग्रेटर अध्यक्ष वेंकट रेड्डी और बाघ अंबरपेट के नगर सेवक पद्मावती रेड्डी के साथ उन्होंने घोषणा की कि वह पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। वेंकट रेड्डी ने कहा कि उन्हें पहले 2 बार ग्रेटर अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और इस बार मलकपेट भाजपा विधानसभा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और इस बार वह अंबरपेट विधानसभा सीट के लिए उम्मीद कर रहे थे। इसी मुद्दे पर कई बार किशन रेड्डी से मिलने की कोशिश की लेकिन किशन रेड्डी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी शशिधर ने कोरिया में आयोजित बैडमिंटन BWF वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप 2023 में 45+ पुरुष एकल वर्ग में रजत पदक जीता। यह आयोजन 11 से 18 सितंबर तक कोरिया के जोंजू के हवासुन इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर काकुर स्थित शशिधर बैडमिंटन अकादमी में अभिनंदन सभा का आयोजन किया गया। कोच भी बाला हनुमतराव, मेजर जनरल राजेश कुंद्रा और अन्य ने बधाई दी। 2013 में इस्तांबुल, तुर्की और 2017 में कोच्ची में कांस्य पदक जीतने के बाद यह उनका तीसरा विश्व चैंपियनशिप पदक है। शशिधर ने कहा कि वह बहुत खुश है कि उनका सपना सच हो गया। उन्होंने कहा कि वह पिछली 2 BWF विश्व सीनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक से संतुष्ट हैं। इस साल की चैंपियनशिप के लिए वह कड़ी ट्रेनिंग के साथ आगे बढ़े। उन्होंने खुलासा किया कि वह अगली चैंपियनशिप के लिए अपने प्रयासों को दुगुना कर देंगे। विश्व सीनियर चैंपियनशिप के एक द्विवार्षिक आयोजन है जिसमें महिला एकल, युगल और मिश्रित युगल श्रेणियों में व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं शामिल है। इस कार्यक्रम में पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी, वर्तमान खिलाड़ी और महत्वाकांक्षी खिलाड़ी उपस्थित थे। From our country, 4 people represented there in the World Championship in 45 days category. So in that I got silver medal. I played totally around 6 matches where I defeated from Germany, Switzerland, Denmark and other countries. So in finals I lost to Fujimoto of Japan, which is 8 games. This was one of the best tournaments by BWF. This is official world championship where I got silver medal. In Badminton Academy. Name of the academy is Shashidhar Badminton Academy.
students are dedicated and focused on the team. I wish that they will perform what all I have not performed, I wanted them to perform. And they are also putting the maximum efforts. Within a few years, I think my students also will start performing well and play well in the coming future. How many students do you have? We have around 50 students. Are you receiving silver? Huh? Your students, which prize we are getting or expecting from? What all tournaments, what all achievements, what I couldn't do, I want my children to perform. Dream. Your achievement. बिहार संसदीय दल के नेता के केशव राव ने कहा कि महिला विधेयक के लिए लड़ने वालों के सपने को साकार हो रहे, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें अपना असली फल पाने के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ रहा है। गुरुवार को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल से लेकर अब तक कई लोगों ने महिलाओं को राज्य सत्ता का हिस्सा बनाने के लिए लड़ाई लड़ी है। याद दिलाया गया कि तेलंगाना के गठन के बाद आयोजित पहले विधानसभा सत्र में विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। उनके नेता और सीएम केसीआर ने न केवल ईमानदारी से महिलाओं के सत्ता में आने की इच्छा व्यक्त की, बल्कि उन्हें यह भी याद दिलाया गया कि उन्होंने हाल ही में महिला विधेयक संबंध में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि वे इस बिल को 100% स्वागत करते हैं। कहा जा रहा है कि इस बिल को जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्वितरण से जोड़ना सबसे बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र ऐसा सोचता है तो विधेयक को तुरंत लागू किया जा सकता है और 2011 की जनगणना पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र महिला विधेयक के मुद्दे पर देरी क्यों कर रहा है, जिसने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जबकि पूरे देश ने अलग अलग राय व्यक्त की। That we have to go through some kind of a legal process and constitutional process. I think most of us sitting here know the same legal consensus. We know the constitution, we know the law, we know everything. 370 could be removed without looking into the constitution or anything at all. You can do anything, whatever it is. When there's a consensus here, what is that we are asking? Two conditions they have put. One is census after the bill is passed. It is not census now. You could have as well, I am trying to give you the alternative, you could have accepted the 2011 as a benchmark, simple as that. This house could have accepted 2011 as we have done in many cases 2001. And immediately, that is tomorrow, you could have appointed some kind of a deliberation commission. I am telling you, deliberation commission is necessary. I totally agree with Nandaji. Yesterday, Home Minister said that it is other house. Delimitation is necessary because we don't want to do our own, which will perhaps be mistaken as discrimination. So there is no need for much time to be taken. To say that they had looked into this, there is a legal process, don't tell us all that. Census means disadvantage to southern states, including Telangana, where our population is usually lesser because we practice our, what you call, the family planning. Now once that happens, in the census, our figures happen to be lower than others, and we stand to deal. This has to be answered when you sit in the cabinet. Please look into the problem because you are trying to do this for all the entire country. So I want you to look into this also. Then census, then deliberation, then the people's opinion, all this, when I work it out, I don't want to give the details, it works out to 2030. Not 2029. That means this 24 you are missing, next 29 you are missing, then you are getting into 31. As far as the bill is concerned, as far as the... Well, you have brought it, we are thankful to you, we are supporting it, but at the same time, please think, don't do it for political thing. There is a competition, political competition here and there, somebody taking credit. Whoever takes the credit, let the ladies and this nation get this kind of a historical bill. सीआईडी डीएसपी के श्रीनिवास राव की हार्ट अटैक से मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि सीआईडी डीएसपी के श्रीनिवास राव की सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले के श्रीनिवास राव सैफाबाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रूप में काम करते थे। श्रीनिवास राव के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना में पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला तेज हो गया है। नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। इसी सिलसिले में बाग अंबरपेट से एक बीजेपी पार्षद दंपति बीआरएस में शामिल हुए।
बागम्बरपेट डिवीजन के नगर सेवक पद्मा वेंकट रेड्डी की जोड़ी ने टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर की उपस्थिति में भाजपा को कवर किया। अम्बरपेट से भारतीय राष्ट्र समिति के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे वर्तमान विधायक कालेरू वेंकटेश ने कहा कि वह जीत के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।